लास्ट 5 डेज से मैं रोज़ खुद को ये बोल रहा था कि आज मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, बट कुछ ना कुछ रीज़न से हमेशा छूट जा रहा था। बट आज फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया है ब्लॉगिंग। एंड या इस आईपैड में मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी कि क्या मुझे पॉइंट्स कवर करने हैं फर्स्ट व्लॉग में, बिकॉज मैं ब्लैंक हो जाता हूँ जैसे ही कैमरा शुरू होता है। सो कोई ऐसी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, बस ऐसे पॉइंट क्लियर करने हैं। सो मैंने पॉइंट्स इसमें लिख के रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग द व्लॉग विथ अ बिग Why I'm starting vlogging? So before answering the question, मेरे मॉर्निंग वर्कआउट का टाइम हो गया है। इट्स नॉट लाइक कि मैं रोज़ उठ के वर्कआउट करता हूँ, बट लास्ट 2 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया। और या सो वर्कआउट करते करते मैं आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का व्हाई। तो जिनको नहीं पता मेरे बारे में, आई एम एन आर्टिस्ट। आई हैव बीन वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम सिंस 2015। पहले आई स्टार्टेड फोटो एडिटिंग, देन क्रिएटिंग डिजिटल आर्ट वर्क्स, वर्किंग विद ब्रांड्स। आई ऑल्सो मेड अ मूवी, जिनको नहीं पता इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्ट, इट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, आप जाके देख सकते हो। द मूवी वॉज फन, इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट प्रोजेक्ट्स। जाके देखो अगर आपने देखी नहीं है, जिन्होंने देखा है फिर से देखो। वर्कआउट करने के बाद ना थोड़ी जान आती है बॉडी के अंदर, यू फील फ्रेश, यू नो। सो रोज करना चाहिए वर्कआउट, ये मैं खुद को कह रहा हूँ। सो एज आई वाज सेइंग कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ बहुत टाइम से, बट यू नो इंस्टाग्राम पे ना व्हाट आई थिंक इज मैं अपने ऑडियंस साथ ना कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ। एंड लेट मी एक्सप्लेन। सो यू नो लाइक इफ यू वॉन्ट टू नो अ पर्सन, लाइक आपको उसके साथ बात करनी होती है, ठीक है? आप बात करते हो तभी तो आप सामने वाले इंसान को जान सकते हो ना। सो इंस्टाग्राम पे कैसा है, इंस्टाग्राम इज़ वेरी फोटो सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट लाइक वीडियो। वीडियो में IGTV है बट इट्स नॉट द सेम थिंग लाइक ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में कैसा होता है, इट्स लाइक यू गेट कनेक्टेड टू द पर्सन हु इज़ ब्लॉगिंग, क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं and all sort of thing like whatever is happening in their life, ठीक है? So ये difference है, इसीलिए मैं vlogging start कर रहा हूँ। So workout is done, so अब मैं fresh हो कहता हूँ and let's go outside for breakfast. Yeah. Alright guys, so I'm done. Now let's go outside and देखते हैं आगे क्या करना है। Only OG people will know her name. हाँ यार बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई, जब से पुणे में आए ना ऐसे ही चला रहे बस इसको। दिस इज द प्लेस जहाँ पर हम आए हैं, इस टाइम पूरा खाली होता है। सो यार दिस इज व्हाट वी हैविंग। सो मेरा प्लान था सिर्फ सैंडविच खाने का, बट गरम गरम पकौड़े बन रहे थे तो यार पकौड़ों कैसे मना कर दी। सो डोंट थिंक कि गाइज यार कि मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ दिखा रहा हूँ, बट एंड में पकौड़े खा रहा हूँ। तो हफ्ते में एक बार चलता है। सो एज आई वाज सेइंग कि कनेक्शन इंस्टाग्राम पे ना बस आपको उतना ही पता है जितना मैं लाइक फोटोज़ के थ्रू आपको दिखता है, दैट्स इट। लाइक और आर्ट वर्क्स बस उतना ही चीज़ है। थ्रू व्लॉगिंग लाइक यू विल नो मी पर्सनली कि लाइक मैं कैसे मैं काम करता हूँ, क्या क्या मैं काम करता हूँ। एंड वही जो ब्लॉगिंग के थ्रू एक क्रिएटर कन्वे करता है। सो गाइस ये मेरा फर्स्ट न्यू फ्रेंड है पुणे में, यहीं रहता है। जब भी हम नाश्ता करते तो आ जाता है, जैसे जैसे साफ सफाई कर रहा है।
चलो ठीक है, सब थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। इधर घूम रहा है, कितने दिन से नहीं मिला। ये तो बात हो गई पहले की, लाइक हु एम आई एंड व्हाई आई एम स्टार्टिंग ब्लॉग्स। नाउ इससे आगे क्या, ओके सो दो बड़ी चीज़ें हुई हैं करंटली इन माय लाइफ। वन इज आई हैव मूव्ड टू अ न्यू सिटी, दैट्स पुणे, एंड सेकेंड इज आई हैव स्टार्टेड माय ओन क्लोथिंग ब्रांड विच इज़ रेगाल्डो। सो वो जो प्रोसेस है पूरा, लाइक everything, I want to document everything, जो भी मैं डेली करता हूँ, सो देर इज़ अ लॉट दैट्स हैपनिंग, ओके सो वो सारी चीज़ें मैं ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को बताऊँगा, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट एवरी थिंग। सो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, आपको भी पता चल जाएगा क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, एंड एक मेमोरी टाइप रिकॉर्ड भी हो जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर द फर्स्ट ब्लॉग, एंड बहुत सी चीज़ें आने वाली गाइस। रेगाल्डो का नया कलेक्शन भी आने वाला है, मैं वो आपको कलेक्शन भी दिखाऊंगा कैसे हम डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं। द डार्क एडिशन जो था उसका तो रिस्पॉन्स क्या ही बताऊं मैं, और बहुत सारी नई चीज़ें करूंगा जो मैं कैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, हाउ वी डू फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ब्लॉग्स के थ्रू। और आपको क्या देखना है यू कैन जस्ट लेट मी नो कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। सो दैट्स इट गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग जो जल्दी आएगा, पता हम प्रॉमिस नहीं करूँगा कब आएगा, तो आपको पता ही मेरे प्रॉमिसेस। एनीवेज गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट। अभी गिर गया था पीस आउट करने के। क्या निकाला मुझे।